नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से हाल फिलहाल उपचुनाव जीते। अब पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से बीजेपी के विधायक रहे कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी और इस ऑफर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनाया और यहाँ से उपचुनाव लड़कर भारी मतों से जीत हासिल भी की। अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी सीट छोड़ने के बाद कैलाश गहतोड़ी को हाईकमान क्या कोई पद यहाँ पर दे सकता है, पर कयास अब हमारे सही साबित हुए। कैलाश गहतोड़ी को उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। कैलाश गहतोड़ी ने वन विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य यहां पर मौजूद रही, साथ ही साथ रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ, वन विकास निगम के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन और वन निगम के अन्य पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। वहीं इस खबर के आने के बाद चंपावत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई है। चंपावत के मुख्य बाजार में लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। तो ये थी देहरादून से अंकित शर्मा और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और चंपावत से सूरज की रिपोर्ट।